नमस्कार स्टूडेंट। तो जैसे अपन इंग्लिश का अब पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो अपने पास चूँकि एग्जाम का नज़दीक आ गया है, अपने पास टाइम कम है, तो अपन क्विक रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप का। इस एक वीडियो में ऑब्जेक्ट टाइप ख़त्म करेंगे, शेष 50 ऑब्जेक्ट टाइप बचे हुए हैं। जो उसके बाद अपन इंग्लिश पर अगले वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताएंगे जिस पर आप काम करके अच्छे अंक पा सकते हैं। पूरा इसका प्रश्न बैंक का स्ट्रेटेजी बताएंगे, किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो अब चलते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और इसको वीडियो को 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो बना के इस सारा ऑब्जेक्ट टाइप का कोई रिविजन करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको आज। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, इसका आंसर फर्स्ट का 101 का है, सी रॉबिन केलन। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दीज फिंगर रॉबिन केलन, विच ऑफ दीज फिंगर ऑफ स्पीच है द पास्ट यूज इन द एबव लाइन। वर्ड 02 का है, डी एलिट्रेशन। इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। विच ऑफ दीज कॉज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज द पोएम अमांडा। 103, 103 का है, बी ईटिंग चॉकलेट। 104 का है, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अनुसार फ्रीडम क्या है। 104 का बी स्वीट। 105, विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कवर थ्रू द पोएम, कौन सी पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है अमांडा, पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है अमांडा, ठीक है। तो 105, 105 का है, बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। अगला है, द पोएम अमांडा इज अबाउट, पोएम अमांडा किसके बारे में है, तो किसके बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। 107, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फान, ठीक है। 107 इसका है, बी टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फान हैज। 108, भाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी। 108 का बी, वैन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है। 109, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, ठीक है। तो 109 का है, सी इट कॉज सीन्स एक्ने, इट कॉजेस एक्ने, ठीक है। 107 का है, 109 सॉरी 109 का है सी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिए 110 नंबर का देखते हैं। व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन सी पिक्चर हरसेल्फ इन ए टावर, तो क्या इमेज कर रही थी। 110 का है सी, क्या है, रापुनजल, ठीक है। और 111, हु वाज कंपोज्ड द पोएम एनिमल्स, एनिमल पोएम नंबर 6 से अभी आ गई, हु वाज कंपोज्ड, इसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा कंपोज किया गया एनिमल पोएम का। तो 111 का है ए वाल्ट वाइडमैन। 102 का, विच ऑफ दीज इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एनिमल्स। 112 का है सी, मतलब टू कंपेयर ह्यूमन बींग विथ एनिमल्स टू हाईलाइट द फ्लो ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। 113, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इन टू द पोएम एनिमल्स। 113 का है सी एनिमल्स, ठीक है। 114, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड टोंग। 114 का है सी इलेक्ट्रिशन। व्हाई डू ह्यूमन लाइफ अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स। 115 का है सी क्राई फॉर देयर सेंस। व्हाट क्वालिटी हैव द ह्यूमन बींग गिवन अप अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स। 116 का है डी ऑल ऑफ दीज, क्या क्या है, इनोसेंस काइंडनेस ट्रस्टफुल, ये सारी क्वालिटी ह्यूमन बींग में होनी चाहिए, ठीक है, पोएट इन द एनिमल्स के अनुसार। 117, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, बेकर्स गोवा में किस नाम से जाते हैं। 117 का ए पैडल। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, 118 का डी ऑल ऑफ दी अबव, बनाना ब्रेड, ब्रेड बंगल्स, लोब्स, ठीक है। 119, हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे, ठीक है, बेकर एवरी डे, एक दिन में कितने बार आते हैं। 119 का है बी ट्वाइस, दो बार। खालिस्तान वाच कॉल्ड कवाई, कवाई क्या कहलाता है, तो 120 का है ए बेकर ड्रेस। कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस फॉर है, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। 122, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ बसा हुआ है। 122 का ए मैसूर। 123, खालिस्तान रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कौन सी रिवर पानी प्राप्त करती है कुर्ग से। 123 का सी कावेरी।
क्लैम्प टू द, 124, 124 का आएगा, द क्लाइम टू द हिल ब्रिंग यू इनटू पनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। 124 का ए, ब्रह्मगिरी। चलिए आगे चलते हैं, 125, व्हाट आर द एक्टिविटी अवेलेबल इन कुर्ग, कौन सी एक्टिविटी अवेलेबल होती है वहाँ, होती है रिवर राफ्टिंग भी होती है, कैनोइंग भी होती है, माउंटेन राइडिंग भी होती है, तो ऑल द अबव। ठीक है, अगला है, व्हाट इज रैफलिंग, रैफलिंग क्या है, गोइंग डाउन अ क्लिफ। ठीक है, एक सकते हैं, व्हाट इज असम पॉपुलर नॉन एज, असम की जो पॉपुलर है वो किसके नाम से जानती है, टी कंट्री। इन यूरोप, यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ, ठीक है, ऑफ अ मेडिसिन बेवरेज देन बेवरेज। ठीक है, 129, व्हाट वाज डेकिया बारी, 129 का है ए, नेम ऑफ ए स्टेशन। 130, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजुल स्टडी, 130 का है डी, दिल्ली। 131, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन सैडो, 131 का है ए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। भार्ड रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, 133 का सी, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लंचेस। वार्ड रस टू मीट द ट्री, 134 का ए, विंड। द पीसेस ऑफ द मून कैन सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, 135 का सी, ओक ट्री। गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाच, 136 का आएगा सी, सिद्धार्था। 137, वार्ड मूव सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, 137 का ए, सॉरी, व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, तो 137, वन द ए सिक मैन, ए एजेड मैन, ए मॉन्क बेगिंग, ऑल द अबव। ठीक है, 138, वेयर डिड सिद्धार्था वो टू स्टे अंटिल द एनलाइटमेंट केम, 38, अंडर पीपल ट्री। ठीक है, अगला है, व्हाट डिड द नेम ऑन द ट्री, 139, क्या नाम से बुद्धि ट्री। 140, विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू प्राइंग, मस्टर्ड सीड। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेक कीसा रियलाइज, 141 का डी, ऑल द अबव। डेथ इन कॉमन टू ऑल मैन आर मोर्टल सीज बीइंग सेल्फिश, ऑल द अबव। चलिए 142 से स्टार्ट करते हैं, व्हाट डिड बुद्धा टेल कीसा अबाउट लाइफ, 142 का डी, ऑल द अबव। क्या क्या है, इट इज ट्रबल, इट इज ब्राइब, कंबाइंड एंड पेन, क्या आएगा, ऑल द अबव। 143 का है, बोथ यंग एंड अडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, किसकी ओर, डेथ। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, सरमन मीन्स उपदेश, किस सिटी में बुद्धा ने अपने पहला उपदेश दिया था, 144 का आएगा बी, बनारस। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर इन हर हेयर, ठीक है, 145 का डी, ब्लैक भी था, ब्राउन भी था, कैरेट भी था, अलग। व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन, यंग मैन का मूड क्या था, सैड। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती थी, टू बी लव टू हर हरसेल्फ। व्हाट इज द कलर ऑफ द रामपार्ट ऑफ द यंग लेडी, 148 का वी, हनी। 149, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर अन्ने ग्रेनरी, कौन था, विलियम बटलर येट्स, डब्ल्यू बी येट्स। ठीक है, व्हाट मैटर फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग, 150 का है बी, द इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग। तो चलिए विद्यार्थियों, आज क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया अपन ने, आज सारे जो अपने एमसीक्यू बचे हुए थे उनको अपन ने क्विक रिवीजन के तौर पर किया है। इससे क्या हुआ, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इस 10 मिनट की वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और कुछ भी नहीं। और इसके बाद अपन, मैं आपको अगले वीडियो में क्या कराने वाला हूँ, ये इंग्लिश का जो अपना प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक को देख के मैं सारा करके रखा हूँ। तो मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि इस प्रश्न बैंक को आप किस किस क्वेश्चन को पढ़ के आप नंबर ला सकते हो, पूरा डिस्क्राइब करूँगा एक एक क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है,
इसमें से किसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सारा डिस्क्राइब करूँगा मैं इसमें से हर चीज़ को कि इसको पढ़िए इसको नहीं पढ़िए। तो अगले वीडियो में ये आपके आने वाला है, क्योंकि अब अपने एमसीक्यू ख़त्म कर लिया है। एमसीक्यू के अलावा अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है कराने के लिए, अब केवल आपको बताना है कि क्या पढ़ना है इसमें से क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।